अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर श्री महेश भागवत ने एलवी नगर स्पेशल टीम की तारीफ करते हुए मीडिया से मुखातिब होकर नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी करने वाले मुजरिमों का खुलासा किया और पुलिस के इस बेहतरीन कारनामे को आवाम से वाकिफ करवाया। देखते हैं एक खास झलक। हमारे डीजी साहब ने हमें जो ऑर्डर्स दिए हैं उसका पालन करते हुए हम पूरे अभी रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में हमारे पुलिस स्टेशंस लॉ एंड ऑर्डर के उसके साथ साथ हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम्स भी ये ड्रग्स के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। काफ़ी केसेस हमने इस बीच में बुक किए हैं। 2016 से जब से कमिश्नरेट खोला है हमने तब से हम गांजा के खिलाफ ड्रग्स के खिलाफ में हमारी कार्रवाई जारी है। अभी तक हमारे कमिश्नरेट में 160 से ज़्यादा केसेस हमने रजिस्टर करके 7500 केजी गांजा और बाकी ड्रग्स बहुत सारे ड्रग्स हमने सीज किए हैं। काफ़ी सारे रेव पार्टीज हमने बस किए हैं। 66 ड्रग्स ऑफेंडर पे हमने पीडी एक्ट का अमल किया है। यही रेड्स के चलते हुए हमारे स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जो विशाखापट्टनम एजेंसी एरिया से माडगुला मंडल से महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाला एक अशोक लेलैंड मिनी व्हीकल सीज करके उस व्हीकल से 110 केजी गांजा बरामद किया है। उसके साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन और 1100 कैश भी सीज किया है। तकरीबन 18,50,000 का ये सामान यहाँ पे बरामद हुआ। ये जो गैंग मिला है हमें, गैंग का जो प्रमुख सूत्रधार है उसका नाम है लुम्बाराम सोलंकी। ये जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है और इसका साथी कृष्णाराम करके ये भी ये लोग नागपुर में जाके महाराष्ट्र के वहाँ पे हैंडओवर करते हैं। ये जो लुम्बाराम सोलंकी है इसकी ट्रक उसने एक मंगीलाल नाम के आदमी को बेची थी जो पहले यही गांजा का धंधा आंध्र प्रदेश से राजस्थान लेके जाने का करता था। उसको मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पुलिस स्टेशन वालों ने अरेस्ट करने के बाद ये लुम्बाराम उसको मुलाकात में कोर्ट में वहाँ जेल में जाके मिला और फिर उसने उसको बताया कि ये एजेंसी एरिया में विशाखापट्टनम ऐसा गांजा मिलता है और इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। तो फिर ये लुम्बाराम ने अपना ये धंधा शुरू कर दिया। शुरू में वो आरटीसी बस से हैदराबाद यहाँ से फिर नागपुर माल लेके जाता था, लेकिन आजकल वो उसने व्हीकल एंगेज किया है, वही व्हीकल अभी हमने पकड़ा है। तो इस रैकेट में बालन्ना और जो रशीद नाम के दो शख्स हैं सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया के दोनों को अटक करना अभी बाकी है। इन अभी जो दो लोग हमने पकड़े हैं उनके खिलाफ हम जरूर पीडी एक्ट अमल करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ हम मुकदमा चलाएंगे और कन्विक्शन के लिए पूरी हमारी कोशिश रहेंगे। इसके साथ साथ आज हमने हमारे पार्टनर अमृता फाउंडेशन के देविका मैडम के साथ में ये नया सवेरा जो हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था लॉकडाउन के पहले वो प्रोग्राम अभी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो जो कॉलेजेस स्कूल्स ओपन है वहाँ पे, जो ओपन नहीं है वहाँ पे ऑनलाइन पे ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए ड्रग एब्यूज़ के बारे में, सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में ये प्रोग्राम चलेगा। और जहाँ जहाँ पे डी एडिक्शन की ज़रूरत है वो डी एडिक्शन के पेशेंट्स भी उनको अमृता फाउंडेशन के जरिए और मदद की जाएगी। हफ्ते में एक दिन मंगलवार का दिन जो है मंगल का दिन हमने यहाँ पे डी एडिक्शन के लिए रखा हुआ है। जिसको इस सुविधा का लाभ लेना है वो हमारा व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिसको भी ड्रग्स के बारे में, गांजा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देना है वो भी यही नंबर 9490617111 ये नंबर को देंगे तो उनका नाम हम सीक्रेट रखते हुए अगर कुछ एक्शनेबल हमें मिला तो उनको हम रिवार्ड भी दे देंगे। एनसीबी साथ साथ हमारे पार्टनर अमृता फाउंडेशन और रचाकोंडा पुलिस हम मिल के पूरा ये अभियान नशा मुक्ति का चलाते हुए हमारे एरिया में पक्का जीरो टॉलरेंस ड्रग्स के लिए हम रखेंगे। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर रवि कुमार, डीसीपी सुरेंद्र रेड्डी, अब्दुल्लापुर मेट इंस्पेक्टर एलबी नगर के डीसीपी, इन सबको लोकम करके शॉर्ट फिल्म
शशांक रामानुजपुरम डायरेक्टर है, सना एक्ट्रेस और बाकी लोगों ने इसमें एक्ट किया है। ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में काफ़ी अच्छी फिल्म है, मरोलोकम यूट्यूब में भी है, ये फिल्म जरूर आप देखिए। कुछ दिनों में ही हम एक इस फिल्म से एक 1.5 मिनट 2 मिनट का शॉर्ट फिल्म और बना के थिएटर से मूवी हॉल से भी कमर्शियल ब्रेक में ये मूवी हम रिलीज करेंगे। थैंक यू। एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स सब्सटेंस साइकोट्रेपिक सब्सटेंस एक्ट, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। इसमें सेक्शन 31A के अंदर अगर रिपीटेड केस है तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। और आपने देखा होगा अभी एक एक महीना लोगों को बेल नहीं मिल रहे, कितना भी बड़ा हो आप कानून के सामने सब एक जैसे ही है। तो इसलिए जिस जिसको कोई प्रेशर डाल रहा है ड्रग्स लेने का वगैरह, वो ज़रूर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, हम उनको उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। और जिनको डी एडिक्शन की ज़रूरत है वो लोग भी हमें अप्रोच हो सकते हैं। कंजम्पशन के लिए 1 साल का पनिशमेंट है, जो क्वांटिटी पजेशन है वो स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी, ये 3 हिस्सों में है। कमर्शियल क्वांटिटी के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा, और स्मॉल क्वांटिटी अगर है तो कम से कम 6 महीने की सज़ा आपको मिल सकती है। धन्यवाद। नाज़रीन, न्यूज़18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के लिए अद्दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़। Joseph.